से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे WhatsApp में खुद के फोटो के स्टिकर कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक एप्लीकेशन लेना है जिसका नाम है बैकग्राउंड इरेजर। तो चलिए फ्रेंड्स, प्ले स्टोर में जाते हैं। प्ले स्टोर में जाने के बाद हमें यहाँ लिखना है बैकग्राउंड इरेजर, बैकग्राउंड इरेजर। तो फ्रेंड्स देखिए, कुछ इस तरह से दिखाई देगा बैकग्राउंड इरेजर। मैंने ये एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो यहाँ पे लोड अ फोटो ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे हमें क्लिक करना है और अपना फ़ोटो इंसर्ट करना है। तो यहाँ इसमें, इस एप्लीकेशन में इंसर्ट कर लिया है, तो हम इसे जितना क्रॉप कर सकते हैं वो साइज़ लेंगे। यहाँ तक क्रॉप कर सकते हैं, एज क्रॉप एज मच एज पॉसिबल। इसके ऊपर दिए गए डन ऑप्शन पे क्लिक कर इसका भी उपयोग हम कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और दूसरा ऑप्शन है ऐटो, ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ऐटोमेटिकली बैकग्राउंड को इरेज कर देगा। देखिए फ्रेंड्स, इजीली मैं यहाँ पे क्रॉप कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। ये दो ऑप्शन का हमें ज़्यादातर यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, हम मैजिक ऑप्शन लेते हैं और इसे इरेज कर देते हैं। अब ये फाइल PNG हो चुकी है, क्या हमारा स्टिकर बनके रेडी है। अब इसे हम स्मूथ बनाएंगे। मैनुअल लेने के बाद हमें यहाँ पे जहाँ कहीं भी हमें प्रॉब्लम लगे वहाँ से इसे स्मूथ बनाना है। कुछ इस तरह से, और इसे डन ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे, डन ऑप्शन पे क्लिक करना है। कुछ इस तरह से दिखेगा PNG इमेज। यह हमारा स्टिकर तैयार है, इसे सेव करेंगे। फिनिश ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमें और एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, जिस एप्लीकेशन की मदद से हम WhatsApp में ये स्टिकर ला सकते हैं। उसका नाम है पर्सनल स्टिकर फॉर WhatsApp। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम पैकेज 3 का पैकेज सिलेक्ट करना है हमें। इसे ऐड करेंगे WhatsApp में, ओके पे प्रेस करेंगे, तो ये हमारा WhatsApp में ऐड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, पर्सनल स्टिकर हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। पर्सनल स्टिकर, मैं आपको इसका सिंबल बताता हूँ, कुछ इस तरह से दिखेगा पर्सनल स्टिकर। मेमोरी कार्ड सा सिंबल है यहाँ पे, पर्सनल स्टिकर फॉर WhatsApp। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इसकी मदद से हमने WhatsApp में अभी क्रॉप किए हुए इमेजेस को WhatsApp में एज ए स्टिकर करके हमने लोड कर लिया है। अभी जिसको स्टिकर भेजना है उसमें जाएंगे, यहाँ पे नीचे दिए गए ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अभी ऐड किया हुआ स्टिकर देखेंगे कहाँ पे है, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। हम इसे सेंड करके देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से स्टिकर दिखेगा। हम खुद के स्टिकर बना सकते हैं अच्छे अच्छे और भेज सकते हैं, और हमारे स्टिकर के नीचे कुछ मैसेज भी लिख सकते हैं। तो ये कैसे लिखना है अभी हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें और एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी जिसका नाम है स्टिको टेक्स्ट। स्टिको टेक्स्ट, तो यह हमें यूट्यूब स्टिको टेक्स्ट, यह हमें कुछ इस तरह से डाउनलोड करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, इंटर योर टेक्स्ट, इसमें डालेंगे हेलो, आप कुछ भी लिख सकते हैं।
तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हमें ये फॉन्ट सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अच्छे फॉन्ट्स में हम ये स्टिकर लगा सकते हैं। स्टिकर को अच्छा लुक देने के लिए ये बहुत अच्छा है। हम इसे कुछ इस तरह से यहाँ से ही हम ये स्टिकर को सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप में। कुछ इस तरह से दिखेगा। नीचे के दिए गए वेबसाइट को हम वेब एड्रेस को हम रिमूव करेंगे और इसे सेंड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो फ्रेंड्स, और मज़ेदार व्हाट्सएप चलाने के लिए हमें, जिसका नाम है PNG स्टिकर फॉर यूट्यूब, प्ले पे क्लिक करना है और हमें यहाँ से PNG स्टिकर सिलेक्ट करना है। आप यहाँ से PNG स्टिकर सिलेक्ट कर सकते हैं, इसे डाउनलोड करना है। कम से कम 3 स्टिकर डाउनलोड करने हैं। फिर हमारा जो पहली एप्लीकेशन थी उससे हम ये स्टिकर को ऐड करेंगे। पर्सनल स्टिकर जो एप्लीकेशन है, यहाँ से हम उस स्टिकर को ऐड करेंगे। ये ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे वो स्टिकर व्हाट्सएप में सेंड करके। यहाँ से हमने ये स्टिकर लिया था, कुछ इस तरह से दिखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप व्हाट्सएप चला सकते हैं। कुछ इस तरह से स्टिकर देखेंगे। खुद के स्टिकर बनाइए, वेरी फनी स्टिकर बनाइए और